हे हेलो गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग। तो मैं आ चुका हूँ मेरे उसी घटिया आवाज़ के साथ आपको फिर से सड़ाने के लिए। तो मेरे रिजल्ट सड़ने के लिए मजाक की बात को साइड में रखे, तो मैंने वीडियो को लंबा करने के लिए इस बार दो गेम पे चिपका दिए, ताकि मतलब एक और रीज़न है कि मतलब जो एक बार पुराना पुराना कंटेंट जो मैंने रिकॉर्ड करके कब से सड़ा रहा था मैं, वो ख़त्म कर दूँ एक ही बार और नया नया रिकॉर्डिंग करके अच्छा अच्छा फ्रेश एकदम गर्मा गर्म फ्रेश कंटेंट आपको लेके आऊँ। इसलिए मैं बस चिपका दिया दोनों गेम प्ले। तो इसमें इस वाले गेम प्ले में भी मतलब मैं अपने ज़्यादा पटर पटर नहीं करूँगा, घटिया से आवाज़ नहीं सुनाऊँगा, क्योंकि मेरे और उसके बीच में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होता है भाई। मतलब गेम प्ले के बीच में गालियाँ नहीं दी तो फिर गेम खेलने का मज़ा नहीं आता। सो बस अभी मैं बीच बीच में बोलूँगा कि थोड़ा थोड़ा मतलब अपना हम लोग का सिचुएशन एक्सप्लेन करूँगा। तो आप आई होप कि ये कमेंट्री के साथ आपको एंजॉय कर पाए। तो बस अपने हेडफोन को डाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें गालियाँ और झपाटे बहुत होने वाले हैं। तो बस और आप देखना चालू कीजिए। ये बंदा सो गाइज, यहाँ पे फुकट का एक किल मिलने के बाद हम लोग को और किल बनाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग को कंटेंट बनाना था तो भाई किल ढूंढने पड़ेंगे। तो हम लोग ने गाड़ी ढूंढी अच्छी वाली, ये जिसके ऊपर गन लगी होती है ओवर हेड वाली, तो वो गाड़ी ढूंढी भैन चोद और मस्त पे की। अब बाकी एनिमीज की गांड मारने के लिए हम लोग मस्त पे की चल के गाड़ी लेके जा ही रहे थे कि भाई एक फुकट का किल और मिल गया मेरे को। बस चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और जैसे जैसे बंदे मिलेंगे हम अभी मारते रहेंगे, तो ताकि किल बने, किल मिले और कंटेंट भी बनता रहे। तो मैं फिनिश करूं। और यहाँ पे एक और किल मिला, मिस हो गया। पता नहीं मैं गाड़ी को उड़ाने से उसको कैसे चूक गया। भैंचो और अनुज ने किल मेरा चुरा लिया भाई। कंटेंट मैं बना रहा हूँ, मेरे को मारने देना भाई, क्या कर रहा है। और उसके बाद फिर जैसे हम निकल रहे थे, पता नहीं मेरे को ये थर्ड वाला किल कैसे फुकट का मिल गया। मैं कब इस किसको पहले जिसको मारा था वो पहले ही मर गया था। मैंने किसी को भी नॉकआउट करके नहीं छोड़ा था। मैं दो चार बार वीडियो चेक कर लिया, लेकिन फिर भी भाई फुकट का किल मिलता है तो फिर मैं ले लूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। 70 years later. तो बस गाड़ी से घूमते घूमते हम चार पाँच घंटे नहीं यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ कि भाई घूमते घूमते हम पूरा एरिया हमने छान मार लिया, लेकिन कोई बंदा मिला ही नहीं। और फिर मैं तो फिर हमने सोचा कि मस्त के ऊपर जाके ऐसे एनिमीज के स्नाइपर से, लेकिन मेरे पास स्नाइपर थी नहीं, मनुष्य उसके पास स्नाइपर थी, तो मैंने सोचा उसको कवर दे दूंगा स्नाइपर से मारेगा तो। अरे अरे गुटे गुटे यहाँ पे तो चारों तरफ फायरिंग हो रही थी। हम लोग की गांड फट रही थी कि भाई हम लोग को अगर स्पॉट कर लिया तो हम लोग पूरे ओपन में है, पूरी भैंचो गांड लग जाएगी हम लोग, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कवर नहीं है। यहाँ पे एक बार फुकट का किल मिल गया मेरे को, पता नहीं ये अकेला कहा दौड़ा जा रहा था, लेकिन अनुज के पास स्नाइपर थी तो भाई हम लोग ने ऊपर रह के मारने का डिसाइड किया। कुछ हो जाए तो गाड़ी है, बस गाड़ी फोड़ ना दे वो, कुछ हो जाए तो गाड़ी है, तो बस गाड़ी लेके हम सीधे सीधे भाग जाएंगे अगर ज़्यादा शॉट्स आए तो चारों तरफ से। और यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि भाई ये बहुत स्नाइपर चला रहा है, तो मैंने सोचा कि इसको फेक मार्क करके थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और बाकी कि अगर कोई किल आएगा तो मैं किल ले लूँगा। इसको भाई बहुत किल मारा था स्नाइपर से ऊँची जगह पे, तो मेरे पास भैंजो स्नाइपर ही नहीं और दे भी नहीं रहा था। वो वहाँ पे मैंने फेक मार्क किया, लेकिन मेरे को भैंजो झटका फाटे किल नहीं मिला मेरे को, इतना फेक मार्क यूज़ किया। लेकिन कुठे कुठे उतरले ते कुठे मार दे
हम लोग को अभी हेलीकॉप्टर के लोकेशन पता था कि वो कहाँ जाके क्रैश हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग रुकने का थोड़ा डिसाइड किया क्योंकि किसी ने हैकर यूज़ किया तो, या फिर मेरे को लगा कि शायद आगे पीछे और कोई एनिमी होगा तो उसको फिनिश करके एक किल तो मिलेगा। उसके बाद हम हेलीकॉप्टर के फोड़ने के लिए जाते हैं, मतलब फूट ही चुका था ऑलरेडी वो, लेकिन एक को मार के हम जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग, अभी कभी मिल ही नहीं रहा किधर है वो जिसने हैकर यूज़ किया है। क्या भाई इतना स्नाइपर से मार रहा है, और कितना मार रहे हैं तेरे को, मुझे भाई सुख सुख चैन से मुझे भी किल लेने दे, मेरे को कंटेंट बनाना मेला, है। मेला। एक और किल, मस्त पे की फुट के किल मिल रहे, ऊपर ले भोसड़ी वालों, क्या चूते जैसे सामने आके मार रहे हो बहन, जो दूर से मार सकते हो हम लोग को फिनिश कर सकते हो, हम लोग पूरे ओपन में चूते जैसे खेल रहे हैं यार, एनिमीज भी कैसे अच्छा कंटेंट बनेगा फिर। एक फर्स्ट एड है सर, फिर हम लोग हेलीकॉप्टर को, हम लोग का लोकेशन पता था हेलीकॉप्टर का, तो हम लोग घुस गए सीधा सीधा उधर उन लोग को मारने के लिए, हेलीकॉप्टर ये देखो इधर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने सोचा गाड़ी जाके सीधा घुस जाते हैं, तो अनुज वहाँ से फायरिंग कर रहा है, लेकिन उधर रुकने की जगह मैंने थोड़ा दिमाग लगाया अपना कि भाई उधर जाके डायरेक्ट ठोकेंगे नहीं तो पबजी की तरह गाड़ी लग जाएगी, पबजी में सीधा सीधा उड़ा देते हैं गाड़ी से उतार देते हैं, लेकिन उसके पास स्नाइपर थी तो मैंने सोचा कि भाई घर को एकदम से ऑक्यूपाई करेंगे अच्छी जगह पे, और यहाँ पे हम आ गए ताकि हम अच्छे से कवर लेके गांड मार सके एनिमीज की। यहाँ पे चारों तरफ गोलियाँ चल रही थी, पहले हम लोग की गांड सूझी पड़ी थी कि भाई कि अगर मिल गया तो इतना किल मारा है इसमें तो अच्छा विनर विनर चिकन डिनर तो होना ही चाहिए भाई इसमें, फिर मेरे बहुत टेंशन एकदम से टेंस सिचुएशन थी उसमें, फिर हम लोग एक दूसरे को मार देते, इधर जैसे ही फूट स्टेप आते उधर हम दोनों घुस के एक को मार देते, पूरा चार गैंग अप कर देते, और फिर उसके बाद घर में ही रुके रहे थे। ये घर तो हमने भेंचर छोड़ा ही नहीं जब तक हम पूरे एनिमी को फिनिश नहीं कर देते। तो उसके बाद हम घर में ही रुके, बाहर जाना वैसे भी सेफ नहीं, तो ओपन में जाके दूसरों ओपन में जाके हम लोग, अगर हम ओपन में गए उधर से उन लोगों ने गोली मार दी उनकी गांड लग जाएगी पूरी, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई इधर चुपके से बैठेंगे, कैंपिंग तो कैंपिंग मार चुक बार जो कोई कहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कंटेंट बनना चाहिए, कैंपिंग ही बनेगी, कैंपिंग ही करेंगे हम, कैंपिंग ही करेंगे। कुठे आहे ते तरी माहिती पडायला पाहिजे ना। टक 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 तो यहाँ पे भी किसी ने हैकर यूज़ किया था, तो उसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने अपने जॉम्बिस को डाल दिया, और उससे पहले भी जब उसने अनुज ने पहले ही वो लोकेशन फाइंड कर दी, भाई कुछ तो करने दे मुझे भाई, किल लेना है मेरे को, कंटेंट बनाना है, कुछ तो करने दे, ये देखो स्नाइपर से टप 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 खा रहा है, एक और किल चुला रहा है भाई, मारने तो दे। मैंने फिर वो लोकेशन लोकेशन दिया जा रहा है धीरे जा रहा है, अरे लोकेशन दे लेकिन मार मत भाई, मुझे लोकेशन दे मुझे मारने दे भाई, कंटेंट बनाना है तुझे, सिर्फ मैं बता रहा था उसको भाई, जैसे उस वक्त मारना है जब मैं नॉकआउट हो जाऊंगा, नहीं तो कुछ मत करना है मेरे को मारने दे। तो इस वक्त अभी एक ही बंदा बचा था, उसको ढूंढते ढूंढते भी हम लोग की गांड फट गई, और ऊपर से जोन भी हम लोग की उधर गांड मारने के लिए टपक के बैठा ही हुआ था टपका के। कोणी फेकला मॉली, तू तुझा आवाज येतो, ठीक आहे ठीक आहे, अरे स्मोक टाक ना पुड़े। तो वो मेरे प्रो टीम प्लेयर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने स्मोक और स्टंट ग्रेनेड डाल दिया, जो क्योंकि मेरे पास दो ही उतने बचे हुए थे तो मैंने सब डाल दिए, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं कूटे जाऊ, ठीक है सर, आला। फिर जोन हम लोग के ऊपर गैंग अप कर रहा था, तीनों बचे हुए थे पता नहीं था वो कलौड़ा एक किधर छुप के बैठा था, हम लोग ने मैंने फिर से एबिलिटी यूज़ की भाई, ये जो ये ना सही है भेंचो, टीम एनिमी के लोकेशन तो उनके से गांड मार लेता, आखिर कब मिल गया ये, और उसने भी मेरे ऊपर फायर किया लेकिन मेरे ज़ॉम्बी ने उसकी गांड मार दी, आखिर में मैंने फाइनल किल ले लिया उसको, मैंने उसको लेने ही नहीं दिया भेंचो, फाइनल किल मेरा, कंटेंट भी बन गया अच्छा सा, नौ किल ज़्यादा नहीं होते वैसे तो वाला ड्यूटी में, लेकिन मैंने कंटेंट बना दिया भाई।
तो ये पहली वीडियो कंप्लीट हो गई, लेकिन मैंने जैसे बोला था कि भाई वीडियो को ज़्यादा लंबा करने के लिए और पुराने कंटेंट जो पड़े हुए थे मेरे पास वो ख़त्म करने के लिए मैंने दो दो वीडियो एक ही साथ अपलोड करने का सोचा है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी बने, मतलब सही मतलब। लेकिन भले ही वीडियो लंबी बने, आपको वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो यार, फटाफट इतनी लंबी वीडियो पर कमेंट्री करना गांड फट जाती है, भिंचो देख दो घर पर छुपे छुपे करना पड़ता है। सो उसके बाद हम आते हैं दूसरे गेम प्ले की तरफ। सो दूसरे गेम प्ले में भी हम लोग हमेशा की तरह, मेरे को लगा था कि हॉट ड्रॉप होगा कि लॉन्च बेस पे उतरेंगे, लेकिन बहन का लौड़ा कोई आता ही नहीं है, वेंचो की कंटेंट कैसे बनेगा यार, पबजी में सही था वेंचो, पबजी में सब उतरते, एक बार मारो नहीं तो मारो, मरो नहीं तो मारो, यहाँ पे कोई उतरता नहीं, कैसे कंटेंट बनाएंगे। फिर उसके बाद ढूंढते पहले लुटिंग फाइटिंग की, पूरा लॉन्च बेस हम दोनों अकेले ने लुट लिया। फिर उसके बाद किधर जाके मेरे को एक बॉट या फिर क्या पता रियल बंदा था, उसको मार के मेरे को एक पुकर का किल मिल गया। तो उसके बाद हमने फिर वही स्ट्रेटेजी यूज़ की कि गाड़ी से घूमो फिर मारो। तो फिर मेरे को स्नाइपर मिल गई थी इस बार, तो हमने सोचा कि हाई ग्राउंड पे आके मस्त एक स्नाइपर से दुश्मन के घाड़ में गोली डाल के किल लेंगे भैंचोद। फिर मैंने स्नाइपर का पूरे पूर यूज़ करते हुए स्काउटिंग कर रहा था, लेकिन झटका फट मुझे एक भी बंदा नहीं दिखा, क्या करूँ यार इसमें, पढ़ ली भैंचोद गांड फट जाती है कमेंट्री करते करते माइक पकड़ के, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा। फिर यहाँ पे मेरे को एआर लेके मेरे को फुट स्टेप्स आए, तो मैं पीछे जाके उस बंदे की गांड मार दी, फुकट का किल मिल गया मेरे को एक, और फुकट का नहीं बोल सकते भाई, इस पर फुट स्टेप लेके लिए थे अनुज को, लेने से पहले मेरे को किल मारना पता नहीं, तो सारे किल भैंचोद चुरा लेता है, एक कंटेंट मैं बना रहा हूँ, मारने दे एक और फुकट का किल, चूतरे से दौड़ के आता है भैंचोद, फुट स्टेप आते हैं भाई हम लोग को, ऐसे ओपन में कौन दौड़ के आता है, पीछे से रह के मारना। तो भाई एक दो तीन फुकट के किल लेने के बाद हम लोग को ये गाड़ी मिल गई भैंचोद, ये गाड़ी एकदम बाप है, कुछ भी बोलो, ये गाड़ी मॉन्स्टर्स भी है, मॉन्स्टर ट्रक जैसी चलती है भैंचो, ऊपर गन भी है, और क्या चाहिए, दो लोगों के लिए परफेक्ट गाड़ी है। तो हम लोग वो गाड़ी लेके ढूंढ रहे थे चले गए एनिमीज को ढूंढ रहे थे, और भैंचो मस्त की फायरिंग की आवाज़ आ गई, अरे चलना क्या करते तू, गाड़ी कुठे गेली, तो यहाँ पे हम लोग ने पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप कर दी है होपफुली, और थैंक गॉड भैंचोद सारे के सारे नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा किल मेरे को मिल गए, मोस्ट ऑफ द किल। और यहाँ पे किसी को भैंचोद स्कोप नहीं है क्या यार, तेरे को अनुज को स्नाइपर ने टपका दिया, और उसका डॉग टैग मैंने लेके, पहले मैंने सोचा मार चुका है भाई, लूटूंगा नहीं तो मेरे को भी पड़ेगी, तो स्नाइपर से बचने के लिए मैं पहले आके उसको रिवाइव कर दिया डॉग टैग स्कैन करके। तू क्या करते हो, थोड़ा समझने का, रुको जरा सबर करो। और मैंने सोचा कि बाहर स्नाइपर है, मैं भैंचोद झटका फट एक कदम बाहर नहीं रखूंगा, यहाँ पे कैंपिंग करूंगा, बाकी क्या कहना है, मैं बाहर जाके स्नाइपर का शिकार नहीं बन जाता है, और ऊपर से मैं अकेला हूँ, अगर मैं यहाँ पे शिकार हो गया तो फिर मतलब नॉकआउट हो गया, तो फिर डायरेक्ट किल हो जाऊंगा, क्योंकि अनुज भी नहीं है, वो टीममेट भी नहीं है। यहाँ पे एक फुकट का किल मेरे को मिल गया कि कैंपिंग करने का, उसको मार दिया भाई, किधर से आ रहा था पता नहीं, कुछ टिप्स आ गए अच्छा। और यहाँ पे मैं बस कैंपिंग ही कर रहा था, जब तक मैं सोचा था कि जब तक अनुज आएगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं इस घर से, और जैसे अनुज आया तो यहाँ पे बस हम लोग बाहर जाके किल ढूंढ रहे थे, हेलीकॉप्टर टावर वगैरह हम लोग देख रहे थे कहाँ पे कि स्नाइपर उस साइड था, पता नहीं अभी तक वहाँ पे होगा क्या नहीं, हम लोग ने खतरनाक मैंने कैंपिंग की थी, वो सोच रहा था फिर माचू दुआई, मैं इसको नहीं मार रहा, मैं जा रहा हूँ दूसरे किल लेने के लिए, और वो अनुज आ गया। फिर हम लोग ने सोचा कि चलो भाई किल मारते, और यहाँ पे मेरे को एनिमी दिख गया एक, और भैंचो ये देखो क्या भाई खतरनाक, पूरा फ्लेम थ्रो से उसकी गांड मारने की कोशिश थी, लेकिन मैं भी भैंचो बड़ा एकदम ढीठ आदमी हूँ, मैं भी उसको इतना आसानी से मेरे किल चुराने थोड़ी दूंगा भाई, सब एबिलिटी वगैरह यूज करके गांड में गोली मारने का सोचा उसकी, और हम लोग चले गए बस एक टप आठ
उसके बाद फिर से हम लोग स्नाइपर को पूरे पूर्व वापर करना चाहते थे, इसलिए हम लोग वापस से उस जगह पे आ गए। यहाँ पे हम लोग को भी एक स्नाइपर की गोली लगी तो दोनों की गांड लग सकती, क्योंकि झटका फट यहाँ पे कवर नहीं था। फिर मैंने उसको बोला कि दोनों के हिसाब से हम लोग को और अंदर जाना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग को चार पाँच बंदे दिखे, हम सब लोगों ने, हम दोनों ने स्नाइपिंग से फटाफट मारने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं फिर गोली को क्या रोग हुआ था कि एक कान में एक गोली नहीं लगी, बॉडी शॉट भी नहीं हुआ। उसने तो अनुज ने दो चार शॉट कनेक्ट किए, लेकिन थैंक गॉड उसको किल नहीं मिला। माजी लाग लिया तो दोन लाग लिया। Enemy at range. ठीक है, मदे के ला दो। Okay. तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि भाई ये जो ट्रॉलीज वगैरह लगी होती है, क्या होता है, वायर लगी होती है, उसे ट्रांसपोर्ट करके उस माउंटेन पे जाके हम लोग को मस्त की किल मिल जाएगा। दो चार बंदे हैं यहाँ पे, फटाक से जाके हम लोग मार के किल ले लेते। तो यहाँ पे हम लोग आ गए, और जैसे यहाँ पे आए भेंचो सब लोग भाग के किधर नहीं पता नहीं किधर गांड छुपा के बैठे हुए थे। तो हम लोग ने सोचा कि यही होल्ड करते हैं, कोई बंदे आएंगे तो मस्त पे उधर ही इधर से मार देंगे हम लोग को। तो अभी ऐसे ही हम लोग के मारने से पहले पता नहीं भेंचो क्या क्या बंदे कैसे एलिमिनेट हो रहे थे, भाई हम लोग को मारने दो। यहाँ पे एक किल मिल गया, और बस अभी आखिर के तीन बंदे बचे हुए थे। अनुज के पास स्नाइपर थी, मेरे पास भी स्नाइपर थी, हम लोगों ने सोचा कि स्काउटिंग वगैरह करेंगे, लेकिन भाई किल तो 10 ही हुए थे मेरे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई अगर लोकेशन नहीं मिले तो अपना एबिलिटी यूज़ करके देखते कि कहाँ पे वो लोकेशन किधर है, उससे वो हम लोग को पता चल जाए। लेकिन हमें से भी कोई मिल ही नहीं रहा था पता नहीं क्यों, और वे इधर इधर भेजे झट के फट जैसे चुतरे से घूम रहे थे। तो फिर उसके बाद जहाँ से मैं इनके करीब गया, भेंचो मेरे को डैमेज दिया, मेरी ज़ॉम्बीज मेरे को डैमेज दिया, भेंचो एक ऐसे जूते गिरिए। यहाँ पे फिर मेरे को बंदा दिखा, फुट स्टेप्स आ गए, फिर मेरे को बंदा दिखा। उसके बाद मैं भेंचो इतना कौन भगवाता है भोसड़ी के, मार नहीं तो मर जा, ये तो यहाँ पे बकचोदी भेंचोद बकचोदी। फिर फाइनली मेरे को एक किल कन्फर्म हो गया, और भेंचो फाइनली हो गया भाई दो बार। फिर नवीनो चिकन डिनर का गेम प्ले मैंने आपके लिए लाया भाई, इतने कमेंट्री किए भाई, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सपोर्ट दिखाना यार। और अनुज का चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आई कार्ड में दे दूंगा, उसका भी चेकआउट कर लेना बस। और अभी अगर ये दोनों गेम प्ले और ये पूरी वीडियो और मेरी घटिया सी कमेंट्री अगर आपको पसंद, फिर भी घटिया होते हुए भी अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि और लोगों तक भी ये एंटरटेनमेंट पहुँच सके। और बस अगली वाली वीडियो भी आएगी फोर्जा की, और उसके बाद फिर से पबजी या फिर किसी और का गेम प्ले आएगा। तो बस मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। We'll be right back.